आयतुल्ला तकी मिसबा यजदी बड़े उलामा में से आज भी हैं ईरान में माशाल्लाह, तकी मिसबा यजदी। तो वो फरमाते हैं कि तेहरान में एक मरतबा हमने आयतुल्ला सैयद मोहम्मद हुसैन तबाताबाई से किसी शख्स ने आकर आयतुल्ला तबाताबाई से पूछा कि मैं क्या करूं कि मुझे नमाज में खुशू कल्ब और हजूर कल्ब नसीब हो जाए। देखिए वो आयतुल्ला बेजद से वहाँ पर एक चीज़ पूछी थी। आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन तबाताबाई आप ये बताइए कि नमाज में मैं क्या ऐसा काम करूँ कि जिससे मुझे खुशू कल्ब और हजूर कल्ब हासिल हो जाए। तो आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन तबाताबाई ने फरमाया तुम बातें कम किया करो। लोग हैरान रह गए, यानी आम जिंदगी में बातें कम करने या ज़्यादा करने से का क्या ताल्लुक है नमाज में खुशू कल्ब से? नहीं ताल्लुक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका आम जिंदगी उनके अंदर हम अंजाम देते हैं लेकिन ताल्लुक उसका नमाज से हो जाता है। हम आम जिंदगी में चीज़ें अंजाम देते हैं लेकिन ताल्लुक उसका इल्म हासिल करने से हो जाता है। जैसे कि उलमा फरमाते हैं कि नमाज में खुशू खुजू हासिल करने का एक नुस्खा ये है कि आप वजू खुशू कल्ब से करें। वजू अगर आपने खुशू कल्ब से किया तो वो इस बात का लाजिमा बन जाएगा कि आपको नमाज में भी खुशू कल्ब हासिल हो जाएगा। इंतहाई तवज्जो और कंसंट्रेशन के साथ वजू करें। लापरवाही से आए बेसन के ऊपर खड़ा हुआ है, मुंह पे पानी डाला, हाथों को धोया, जल्दी जल्दी मसा किया, लापरवाही से, यानी लगता ही नहीं कि कोई रूहानी काम को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, उसके अंदर एक खुशू कल्ब। कैसा ऐसा मौका आता था कि जब आइमा की ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं, रिवायात के अंदर पढ़ते हैं कि थर थर काँपने लगते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाते थे, चेहरे का रंग जो है जर्द पड़ जाता था, तो वजू से ही खुशू कल्ब शुरू हो जाता था। तो अब देखिए नमाज के अंदर खुशू कल्ब पैदा कर रहे हैं लेकिन उसकी इब्तदा हो रही है वजू से। वजू में हो सकता है कि आप कई घंटे पहले मसलन आप कोई वजू कर रही हैं और उससे आपको बाद में नमाज पढ़ना हो। नहीं, उसका ताल्लुक उस नमाज से जाकर बन जाएगा। तो हमारी आम जिंदगी के तौर तरीके हमारी नमाजों को और हमारी इबादत को, और इल्म भी क्योंकि एक इबादत है, इसको मुतासिर करते हैं। तो इसी वजह से आपसे ये बात कही जा रही है कि आप आम जिंदगी में फजूल गुफ्तगू को आप अपने ऊपर एक चंद रोज के लिए, कम से कम 40 रोज के लिए कोई अपना एक टास्क मुकर्रर कर लेंगे, अपनी गुफ्तगू कम करूंगी और कहीं भी देखूंगी कि फजूल बातें हो रही हैं तो उसको मैं रोकने की कोशिश करूंगी। आप खुद देखेंगे अपने अंदर एक बड़ी रूहानी तब्दीली। ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, सिर्फ एक महीना 10 दिन 40 रोज आप करके देख लीजिए जिंदगी में कितने इंसान तजुर्बात करता है। कोई अच्छे तजुर्बात की तरफ भी उसका दिमाग जाना चाहिए कि एक तजुर्बा करके देखते हैं। साला साल की बात भी नहीं हो रही, सिर्फ 40 रोज की बात हो रही। 40 रोज मुस्तार ले लें अपनी जिंदगी से कि मैं इसमें अपने मामूलात जिंदगी को बेहतर करती हूँ, और फिर आप देखिए कि इल्म में भी लज्जत आएगी, इबादत के अंदर भी लज्जत आएगी। तो आम जिंदगी की चीजें हैं लेकिन वो मुतासिर करती हैं।